For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Big Boss के घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है और फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है जो हर किसी को शॉक कर देगा. Yes, friends बन चुके हैं, यानी कि four turns friend रश्मि और सिद्धार्थ. जी हाँ, रश्मि और सिद्धार्थ की नोकझोंक घर में चूहे बिल्ली जैसी है. कितनी पॉपुलर है ये हम सभी जानते हैं. इनकी दुश्मनी और इनकी दोस्ती दोनों ही देखने लायक होती है. ऐसे में फैमिली वीक चल रहा है जहाँ पर सभी घर वालों के घर वाले आ रहे हैं और सभी के पेरेंट्स आते हैं, लेकिन रश्मि के घर से कोई नहीं आता है, यानी कि ना मम्मी ना भाई, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि अरहान भी नहीं. अब ऐसे में जब बात होती है घर वालों की, तो छोटे छोटे प्यारे से दो बच्चे आते हैं घर के अंदर जो रश्मि से काफी अटैच्ड है. रश्मि भी उन्हें जानती है काफी टाइम से. अब ऐसे में जब वो आते हैं, वो रश्मि और सिद्धार्थ की दोस्ती कराते हैं. जी हाँ, और फिर ये जो माहौल होता है ये देखने लायक होता है, क्योंकि रश्मि काफी इमोशनल हो चुकी होती है क्योंकि घर से मम्मी नहीं आई हैं. और ऐसे में जब सिद्धार्थ उनके पास जाते हैं, उन्हें शांत कराते हैं, उन्हें चुप कराते हैं कि क्यों रो रही है, और वो कहती हैं कि सबकी मॉम आई, मेरी मॉम नहीं आई. और कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है. और उस पर जब बच्चे आते हैं घर में, तो फिर वो जो है रश्मि को उतना ही प्यार देते हैं और साथ ही साथ सिद्धार्थ और रश्मि की दोस्ती करा देते हैं और कहते हैं कि क्यों आप दोनों दोस्त नहीं हो, तो ऐसा कुछ कहते नजर आए ये दोनों. और ये मोमेंट देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जो कि आज हमें देखने को मिलने वाला है. सो आप लोग बताइए कि आप रश्मि और सिद्धार्थ को दोस्त बने देखना चाहते हैं या फिर दुश्मन. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.